हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलाइट योर टेस्ट बड्स। आज मैं बनाने वाली हूँ ओट्स डोसा। तो चलिए शुरू करते हैं विथ इंग्रेडिएंट्स। तो हमने लिया है 1 कप ओट्स, ये नॉर्मल वाला ओट्स लिया है, कोई फ्लेवर्ड वाला नहीं है। और इसको मैंने 15 मिनट्स तक सोक करके रखा था। ये जल्दी एकदम सॉफ्ट हो जाता है, इसको ज़्यादा टाइम भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने लिया है 1/2 कप उड़द, आप उड़द दाल भी यूज़ कर सकते हो। और इसको मैंने 4 घंटे सोक करके रखा था। फिर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून चना दाल, वो भी सोक किया हुआ है, और मेथी दाना वो भी सोक किया हुआ है। फिर हम डालेंगे ऑनियन, ग्रीन चिली, जिंजर और 4 से 5 करी पत्ता। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर जार में डालेंगे और उसको अच्छे से क्रश करके उसका बैटर बना लेंगे। अब मैंने सब जार में शिफ्ट कर लिया है। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारा बैटर रेडी है। मैंने मिक्स करते वक्त लगभग 1 कप पानी डाला था और ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सॉल्ट। थोड़ा जीरा पाउडर 1/2 स्पून। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको फर्मेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एकदम इंस्टेंट डोसा बन जाएगा हमारा। तवा गरम करने के लिए रखा है। अब उसको थोड़ा ग्रीस कर लेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑयल। इसको पेपर से थोड़ा फैला लेंगे। अब हम डोसा डालेंगे बैटर। इसको अच्छे से फैला लेते हैं। स्लो फ्लेम रखेंगे तो एकदम क्रिस्पी होगा ये। ऑयल डालेंगे थोड़ा, आप घी और बटर का भी यूज़ कर सकते हो। अब स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। ओट्स बहुत हेल्दी होता है, लेकिन बहुत लोगों को ओट्स का टेस्ट इतना पसंद नहीं होता है। इसमें आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, इसमें ओट्स का टेस्ट दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ ब्लेंड हो जाएगा एकदम, आपको पता भी नहीं चलेगा ये ओट्स का डोसा है। हमारा डोसा रेडी है, एकदम क्रिस्पी बना है, देखिए। क्रिस्पी ओट डोसा के साथ हमारी डिश रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।